हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SBI नेचर्स बास्केट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। SBI और नेचर्स बास्केट ने मिलकर दो अलग अलग वेरिएंट के अंदर इन क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया था, जिसके बारे में हम लोग आज पूरी जानकारी लेंगे। और वीडियो को चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आगे भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे इन कार्ड्स के ऊपर लगने वाले फीस और चार्जेस के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, दो अलग अलग वेरिएंट के अंदर इन कार्ड्स को लॉन्च किया गया है। तो एक कार्ड है SBI नेचर्स बास्केट रेगुलर क्रेडिट कार्ड और दूसरा कार्ड है SBI नेचर्स बास्केट एलीट क्रेडिट कार्ड। तो अगर आप SBI नेचर्स बास्केट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको एज ए ज्वाइनिंग फीस पे करना पड़ेगा 1499 GST, और एज ए एनुअल चार्जेस सेकेंड ईयर से आपको पे करना पड़ेगा 1499 GST। और अगर आप SBI नेचर्स बास्केट एलीट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो और आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो आपको एज ए ज्वाइनिंग फीस पे करना पड़ेगा 4999 GST, और सेकेंड ईयर से एज ए एनुअल फीस पे करना पड़ेगा 4999 GST। तो अगर आप इन कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हो और आपके कार्ड्स अप्रूव हो जाते हैं तो उसके लिए आपको कुछ वेलकम बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप SBI नेचर्स बास्केट क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो और आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है तो उसके साथ आपको 1500 रुपीज़ का नेचर्स बास्केट का गिफ्ट वाउचर दिया जाता है। इसके अलावा नेचर्स बास्केट के लॉयल्टी प्रोग्राम की मेंबरशिप भी आपको इसके साथ दी जाती है। और अगर आप SBI नेचर्स बास्केट एलीट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो इसके साथ आपको नेचर्स बास्केट का 5000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर दिया जाता है एज ए वेलकम बेनिफिट। और उसके अलावा नेचर्स बास्केट का लॉयल्टी प्रोग्राम भी इस कार्ड के साथ आपको मिल जाता है। तो वेलकम बेनिफिट्स के बाद अभी हम लोग देखेंगे इन कार्ड्स के साथ मिलने वाले माइलस्टोन बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आपके पास एक SBI का नेचर्स बास्केट रेगुलर क्रेडिट कार्ड है और आप एक साल के अंदर 2 लाख या फिर उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो तो आपके जो एनुअल चार्जेस है उसको वेव ऑफ किया जाता है। उसके अलावा आप इस कार्ड का यूज़ करके एक साल के अंदर 3 लाख और उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो इन कार्ड का यूज़ करके तो आपको प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ से 3000 के गिफ्ट वाउचर दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास SBI नेचर्स बास्केट का एलीट क्रेडिट कार्ड है और आप एक साल के अंदर 10 लाख या फिर उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो तो उस केस में आपके जो एनुअल फीस है उसको वेव ऑफ किया जाता है। उसके अलावा आप इस कार्ड का यूज़ करके एक साल के अंदर 6 लाख या फिर उससे ज़्यादा स्पेंड कर लेते हो तो आपको उसके बदले में ताज के 10,000 रुपीज़ के वाउचर्स दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये दोनों कार्ड्स जो है वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं और नेचर्स बास्केट के साथ मिलके इनको लॉन्च किया गया था। तो नेचर्स बास्केट के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर पे शॉपिंग करने पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स इन कार्ड्स के साथ देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास SBI नेचर्स बास्केट रेगुलर क्रेडिट कार्ड है और आप नेचर्स बास्केट के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर पे स्पेंड करते हो तो आपको एवरी 100 रुपीज़ के स्पेंड के ऊपर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर आपके पास SBI का नेचर्स बास्केट एलीट क्रेडिट कार्ड है और आप नेचर्स बास्केट के ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर पे स्पेंड करते हो तो आपको एवरी 100 रुपीज़ के स्पेंड पे 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं। और नेचर्स बास्केट को छोड़ के अगर आप डाइनिंग, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इन कार्ड का यूज़ करके स्पेंड करते हो और आपके पास अगर एक SBI का नेचर्स बास्केट रेगुलर क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एवरी 100 रुपीज़ के स्पेंड पे। और अगर आपके पास SBI का नेचर्स बास्केट एलीट क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एवरी 100 रुपीज़ के स्पेंड पे। नेचर्स बास्केट, डाइनिंग, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट इन सभी एक्सपेंसेस को छोड़ के अगर आप इन कार्ड का यूज़ करके अदर कोई भी स्पेंड करते हो और अगर आपके पास एक SBI नेचर्स बास्केट रेगुलर क्रेडिट कार्ड है तो आपको एवरी 100 रुपीज़ के स्पेंड पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और अगर आपके पास SBI का नेचर्स बास्केट एलीट क्रेडिट कार्ड है तो आपको एवरी 100 रुपीज़ के स्पेंड पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और स्पेसिफिकली अगर आपके पास SBI नेचर्स बास्केट एलीट क्रेडिट कार्ड है तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मूवी टिकट्स के ऊपर मिलने वाले बेनिफिट्स। तो आपको एक साल के अंदर मैक्सिमम ₹6,000 तक के बेनिफिट मिल सकते हैं मूवी टिकट्स के साथ। इसके अंदर आपको मंथली 2 टिकट्स बाय करने का ऑप्शन मिलता है और उसके ऊपर आपको एडिशनल टिकट का बेनिफिट मिल जाता है। तो एक टिकट के ऊपर आप मैक्सिमम ₹250 का एडिशनल बेनिफिट ले सकते हो। तो मंथली 500 के हिसाब से आपको एक साल के अंदर ₹6,000 तक का बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा आपको डेडिकेटेड असिस्टेंट मिलेगा फ्लावर्स डिलीवरी या फिर गिफ्ट डिलीवरी के लिए। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन, मतलब डॉक्टर का ऑनलाइन कंसल्टेशन का बेनिफिट भी देखने को मिल जाता है। तो इस कार्ड के साथ जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं वो आपको 100 रुपीज़ के स्पेंड पे या फिर उसके मल्टीपल के स्पेंड के ऊपर मिलेंगे। और यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो है 0.25 पैसा,
इसके अलावा आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे वो आप SBI के पोर्टल से भी उसको रिडीम करा सकते हो अलग अलग गिफ्ट में। और इसके अलावा आप अगर आपको नेचर्स बास्केट के लॉयल्टी प्रोग्राम परचेस करने हैं तो उसके लिए भी आप इस रिवॉर्ड पॉइंट्स का यूज़ कर सकते हो। और इन क्रेडिट कार्ड के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। तो अगर आपके पास SBI नेचर्स बास्केट रेगुलर क्रेडिट कार्ड है तो आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाते हैं एक साल के अंदर, जिसे आप एक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास SBI नेचर्स बास्केट एलिट क्रेडिट कार्ड है तो आपको 8 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाते हैं, जिसको भी आप 2 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड्स के तरह इन कार्ड्स के अंदर भी आपको फ्यूल सरचार्ज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको दोनों कार्ड के केस में 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, और जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है आप एक स्टेटमेंट साइकिल के अंदर मैक्सिमम 100 रुपीज़ तक का ले सकते हो, और उसके लिए जो आपका ट्रांजेक्शन होगा वो 500 से लेकर 4000 के बीच में होना चाहिए। तो अभी हम लोग बात करेंगे इस कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसके लिए आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। इसके अलावा आपका इनकम जो है उसको भी देखा जाएगा, बट वो आप डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है तो इनकम शायद आपका थोड़ा कम हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आपका जो एरिया है वो सर्विसेबल होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूटिव आपके एरिया तक पहुँच ही नहीं पाएंगे तो आपको कार्ड कैसे इशू करेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ इनकम डॉक्यूमेंट्स, वो भी आपके साथ अवेलेबल होने चाहिए। तो आई होप गाइस SBI नेचर्स बास्केट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जो भी डिटेल्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड की है आपको ठीक से समझ में आ गई है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी है या फिर क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।